सब्सक्राइब कीजिए पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल को, बेल बटन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके चेहरे के हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि मिलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, चेहरे के काले धब्बे दूर करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल होम रेमेडी, और साथ ही साथ 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आपको बता रही हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने चेहरे के काले धब्बों को, मिलाज्मा को, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हाइपर पिगमेंटेशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के टाइम पर लेडीज़ के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मीनोपोज की एज में आते आते भी पिगमेंटेशन हो जाता है। समटाइम्स एक्सेसिव सन एक्सपोजर से भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा, अगर आपकी बॉडी में हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स हैं उसकी वजह से भी डार्क स्पॉट्स या मिलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सबसे पहले बताती हूँ 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कि मिलाज्मा की प्रॉब्लम से राहत दिलाएंगे, और उसके बाद एक फेस पैक बताऊंगी जिसे डेली यूज करेंगे तो बहुत फायदा आपको होने वाला है, आपकी स्किन होने वाली है क्रिस्टल क्लियर। तो फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है ब्लैडर 1 पॉइंट, जो कि आपकी ये दोनों आंखों के कॉर्नर में, यहाँ पर नोज के ऊपर है ये वाला पॉइंट। इसको इस तरीके से आपने स्टिमुलेट करना है, इंडेक्स फिंगर से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से एक ही हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इसे आप दबा सकते हैं। 30-40 सेकंड्स के लिए इसे स्टिमुलेट करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपका फेस का एरिया बहुत डेलिकेट होता है, जोर जोर से नहीं दबाना है, बस हल्का हल्का स्टिमुलेट करना है। सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके आईब्रोज के कॉर्नर्स पर, ये जो ब्रिज होता है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आप दोनों हाथों से दबाइए 30-40 सेकेंड्स के लिए। दिस इज ब्लैडर 2 पॉइंट। एंड थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके लिप्स के नीचे बिल्कुल सेंटर में, ये जो डिप्रेशन होता है हल्का सा यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से आपने दबाना है 30-40 सेकंड्स के लिए। ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हुए। अब आपको बताती हूँ कौन सा फेस पैक आपको लगाना है जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पिगमेंटेशन यानी झाइयों को दूर करने के लिए ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर आंवला, हरड़ और बहेरा का मिक्सचर होता है, और उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को हील करने का काम करते हैं और मेलानिन प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपके एज स्पॉट्स जो हैं वो आने रुक जाते हैं। तो त्रिफला पाउडर आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगा, किसी भी शहर, किसी भी गांव में मिल जाएगा, और बहुत सस्ता होता है, ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है। तो 2 चम्मच त्रिफला का पाउडर आपको एक कटोरी में लेना है, और इसमें आपको ऐड करना है आधा नींबू। नींबू का रस आप इसमें निचोड़ लीजिए। नींबू में विटामिन सी होता है, स्किन को ब्लीच करने का काम करता है ये। अगर आपको नींबू स्किन पर नहीं सूट करता है तो आप दही मिलाइएगा 1 चम्मच। तो नींबू का सब्स्टिट्यूट है दही, और थर्ड इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच शहद यानी कि हनी। हनी भी आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हील करने का काम करता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये आपका पिगमेंटेशन मास्क बन गया। बहुत बहुत इफेक्टिव है ये मास्क आपकी झाइयों को और पिगमेंटेशन को, मिलाज्मा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। चलिए बताती हूँ इसको कैसे लगाना है और इसको कब कब यूज़ करना है। ये फेस पैक इस तरीके से ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से आप अपने फेस पर लगा लीजिए। केवल 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको लगाना है, और उसके बाद आप चेहरे को पानी से वॉश कर लीजिए। डेली इसे लगाएंगे तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और किसी भी तरीके के दाग धब्बे होना फेस पर, चाहे वो झाइयाँ हों, आपके एज स्पॉट्स हों, या फिर पिंपल्स के निशान हों, या फिर झुर्रियाँ आने लगी हों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी और चेहरा बहुत ही जल्दी आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको मेकअप से छुपानी नहीं पड़ेंगी अपनी झाइयाँ और पिगमेंटेशन, बिकॉज आपकी स्किन नेचुरली क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।
तो ये फेस पैक इस तरीके से लगा लीजिएगा, 15 मिनट के लिए लगे रहने दीजिए, और उसके बाद आपने पानी से फेस को वॉश कर लेना है। कम से कम 10 to 15 days के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे नतीजे मिलेंगे, आपका चेहरा क्लीन होता ही चला जाएगा। तो अगर आप भी झाइयों की प्रॉब्लम से, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से, मिलाजमा की प्रॉब्लम से, डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम से परेशान है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एंड ये फेस पैक, आपको 100% नतीजे मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे है, थम्सअप का बटन नीचे है, उसे ज़रूर ज़रूर दबाइएगा। और आपने कमेंट भी मुझे ज़रूर करना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल के लिए नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन भी नीचे है, उसे दबाइए, बेल आइकन आएगा उसे दबाइए, इससे आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी हेल्थ टिप या फिर किसी ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।